मैं इस कार को वॉश ही कर देता हूँ। कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग हटकर यदि आपको काम करना है जो कि मार्केट में नहीं है, और यदि आप उसको करते हैं और आपका हिट हो जाता है, तो आपका समझ लीजिए कि जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाता है, एकदम मज़ेदार चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में ही आप कैसे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को, यहाँ पर आप देख लीजिए। आप पुरानी जो बाइक है आप उसको ले लीजिए, उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लीजिए, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर सेटअप क्या करना है, यदि सिटीज़ वगैरह में है तो आप कार वॉश वगैरह कर सकते हैं, यदि गाँव के साइड में है तो आप जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स होता है उसका स्प्रे का काम कर सकते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पर घर पर किसी किसी को होता है कि गाड़ी ले जाकर गैराज में वॉश कराने का होता नहीं है, तो वहाँ पर उनके घर पर जाइए और वहाँ पर ही वॉश कर दीजिए जेट पंप के साथ में, क्योंकि वो पंप वाला जो वॉश होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। डेली तो नॉर्मल आप कार वॉश करवाते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पंप के साथ में कैसे वॉश करना है, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा सेटअप ये बना हुआ है। कोई भी HF डीलक्स खरीद लीजिए या स्प्लेंडर खरीद लीजिए और उसको आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करा लीजिए पहला काम। तो यहाँ पर आप देखिए ये बैटरी है 72 वोल्ट की 40 AH की बैटरी है जो इसको सिंगल चार्जिंग रेंज देने वाला है 80 से 100 किलोमीटर तक का। और इसका मोटर देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2000 वाट का BLDC हब मोटर मिलने वाला है, ये मोटर हो गया। अब इसके मोटर में आप देखिए क्या किया गया है, एक दूसरा मोटर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके व्हील से इसको कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर ये मोटर दे दिया गया है। अब इस मोटर में एक प्रेशर है जिससे ये आपके कार वगैरह को वॉश करने में काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। और इसमें एक और क्या चीज़ किया गया है, इसमें आपको ये मिल गया है 40 लीटर की कैपेसिटी का वाटर टैंक, यानी इसमें आप चाहे तो पेस्टिसाइड वगैरह रख लीजिए या फिर चाहे तो आप कार वॉश वगैरह कर रहे हैं तो वो आप काम कर लीजिए। तो ये देखिए आप कितना इनोवेटिव आइडिया हो गया है, आपको बने बनाए, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बने बनाए भी आप खरीद सकते हैं और चाहे तो आप इसको असेंबल भी करा सकते हैं। तो अभी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं, तो यदि आप इलेक्ट्रिक में इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक किट प्लस बैटरी का टोटल पड़ने वाला है 1,00,000 रुपये प्लस GST, 1,18,000 रुपये हो जाएगा, प्लस आपका जो पुराना बाइक है वो लगेगा। और यदि मोटर की बात करें तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाने वाला है, तो यानी 1,18,000 प्लस आपका मोटर का 15,000, तो इस तरह से आपका कॉस्ट आने वाला है प्लस पुरानी बाइक। यदि आप पूरा रेडीमेड खरीदना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक यदि डीलक्स खरीदते हैं तो 1,45,000 प्लस 15,000, यानी 1,60,000 रुपये में ये पूरा का पूरा आपको ये सेटअप मिल जाने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको RTO अप्रूवल भी है, ये सब लेकर जाते हैं तो आपको किसी सिग्नल पर RTO वाला रोकेगा नहीं कि भैया ये क्या करके रखे हो, क्योंकि RTO ने परमिशन दिया हुआ है, तो आप निश्चिंत होकर चलाइए। और गाँव वगैरह में है तो रोला हो जाएगा, क्योंकि आप जाएंगे क्या होता है स्प्रे जो करता है, 5 एकड़ सपोज करिए यदि ज़मीन है तो उसमें 4-5 आदमी लगता है, पूरा दिन भर वो स्प्रे ही करता रहता है, क्योंकि इसका स्प्रे जो है वो स्लो रहता है, पंप से दबाना पड़ता है तो वो प्रेशर नहीं आ पाता। इसमें क्या है, इसको एक जगह पर खड़ा करिए, स्टार्ट करिए और ऐसे ही स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छा रेंज इसमें मिलने वाला है। क्या रेंज मिलने वाला है इसके लिए, यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं हमारे शुभम भाई, वो फर्दर आप लोगों को बताने वाले हैं, एक्चुअली मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो शुभम भाई आ जाइए, थोड़ा सा हमें असिस्ट कर दीजिए, हमारे देखने वालों को भी थोड़ा मज़ा आ जाए, वो समझ जाएँ कि भाई एक्चुअली काम कैसे होने वाला है। तो कैसे काम होगा, इसमें पानी भरा हुआ है बता रहे हैं? पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी भरने के लिए भी कोई सिस्टम है कि बस मतलब नॉर्मल अपना एक नली से आप पानी भर सकते हैं? यहाँ से एक सिस्टम दिया हुआ है, उसमें से आप पानी भर सकते हैं। तो मतलब ये निकाल लूँ? हाँ, ये निकाल के आप इसमें दूसरा नली डाल के पानी भर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब एक बाहर से पाइप लगाकर इसमें भर दीजिए, और यदि आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो बल्टी बल्टी भर दीजिए, वो कुप्पी लगा के होता है ना, फनेल लगाकर, कुप्पी लगाकर यहाँ पर आप बल्टी से भी भर लीजिए। तो 40 लीटर पानी भर गया, चलिए ठीक है, अब आगे ट्रायल देखते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट करेंगे? मतलब बाइक को? हाँ, बाइक को। अच्छा, वो आप हाथ में पकड़िए। तो इसका पानी किधर से आएगा? इधर से आएगा, ठीक है। तो मैं इस कार को टारगेट कर दूँ क्या? हाँ, तो इसको पकड़ने में थोड़ा सा आपको प्रेशर तो लगने वाला है। और ये पाइप कितना मीटर मिल रहा है ये देखिए, मैं इस कार को वॉश ही कर देता हूँ, ये कार वाला बंदा भी खुश हो जाएगा कि मैंने इसका फ्री में कार वॉश कर दिया। अपना दिखाने के चक्कर में, आप लोगों को दिखाने के इसमें, ये देखिए ये वहाँ पर निशान था आपने देखा होगा, वो पूरा वॉश होता जा रहा है। और ये देखिए इसका रेंज जो है इतना तक जा रहा है, ये पूरा यहाँ पर रेंज मिल जा रहा है, यानी स्प्रे वाला जो काम है आपको एक मेड़ पर खड़े होकर यानी दो साइड से कवर करेंगे, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आपका कवर हो जाने वाला है। और प्रेशर तो आप देख ही रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपको टायरिंग भी नहीं होने वाला है, 7-8 घंटे का काम कर ही सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर ये देखिए मोटर कैसे चल रहा है, मोटर का जो पूरा फंक्शन है
व्हील इस तरह से रोटेट होने वाला है और इसके साथ साथ ये मोटर को कनेक्ट कर दिया है और ये पूरा का पूरा ये फंक्शन काम कर रहा है। काफ़ी दिलचस्प चीज़ है और यहाँ से आप चाहे तो इसको खोल कर इसका स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो बहुत दिलचस्प चीज़ है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्चुअली इन्होंने जब बताया ना तो मैं सोचा कि आप लोगों से ये बात शेयर करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और आप लोगों को पहली बात तो ये आइडिया मिल जाएगा कि यदि गांव के साइड में है, अपने फसल को बचाना है, समय बचाना है और मैन पावर कम से कम इस्तेमाल करना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। यदि सिटी में है, एक नया बिजनेस आपको चाहिए, जैसे माइग्रेंट्स होते हैं तो उनको काम ढूंढते हैं ऐसा ऐसा, तो ये काम भी कर सकते हैं। लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 1.5 लाख आप इन्वेस्ट करिए और घर घर जाकर कार धुलिए उनके जगह में। तो जिसका आप वॉश करेंगे, किसी किसी को टाइम नहीं होता, जैसे मुझे खुद टाइम नहीं होता है, मैं कभी भी सर्विस सेंटर में ले जाकर कार वॉश के लिए नहीं देता, एक्सेप्ट सर्विस, जब मैं सर्विस के लिए देता हूँ तभी होता है। तो ये एक हो जाता है आलसीपना। यदि मुझे ये फैसिलिटी मिले कि मेरे घर में आकर कोई मेरी कार को जेट पंप से वॉश कर दे तो महीने में कम से कम एक बार तो कराऊंगा ही, और मानसून में हो सकता है कि महीने में 2 बार भी कराएं, क्योंकि मानसून में ज़्यादा गंदी हो जाती है गाड़ी और वो हाथ से जो वॉश करता है आदमी उससे इतना क्लीन होता नहीं है। तो एक काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया और प्राइस वगैरह भी हो गया और यहाँ पर एक कट ऑफ पॉइंट वगैरह भी दिया हुआ है। और इसके बैटरी की वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 3 साल का वारंटी मिल रहा है, तो उसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है, यानी मोटर चला रहे हैं कुछ ख़राब हुआ नहीं हुआ तो 3 साल का आपको बैटरी पर वारंटी मिल रहा है। मोटर कंट्रोलर चार्जर और जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं उस पर आपको 1 साल का सर्विस वारंटी मिल रहा है, तो 1 साल तक आप निश्चिंत होकर इसको चला सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स जो है यहाँ पर मीटर कंसोल और इसका जो लुक है कुछ ऐसे ही रहने वाला है, ये देख लीजिए। और इसको सिंगल चार्ज करने में आपका टाइम जो है 3 से 4 घंटा लगने वाला है। सिंगल चार्जिंग रेंज यदि आप सिर्फ बाइक को चलाते हैं तो 120 किलोमीटर लगने वाला है, यदि मोटर के साथ में चलाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका फिर किलोमीटर नहीं, फिर आपका ड्यूरेशन मैटर करेगा। एक बार यदि आप चार्ज कर लिए एक जगह पर आप काम कर रहे हैं तो 5 घंटे तक आप लगातार स्प्रे कर सकते हैं। 5 घंटे में तो मुझे लगता है कि 5 एकड़ मार देंगे, जितना तेज़ी से ये काम कर रहा है, जितना अच्छा इसका स्प्रे हो रहा है। अब इसका तीनों साइड से एक बार डिटेल देख लीजिए, आप लोगों को और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। देखिए फ्रंट से जो है कुछ इस तरह से, और पाइप जो है ये आपको मिल रही है लगभग 10 मीटर के आसपास, ये 10 मीटर का पाइप मिल रहा है, तो यानी आप स्प्रे वगैरह करेंगे तो भी उसमें भी काम हो जाएगा, कहीं गैराज वगैरह में भी वॉश करने गए हैं तो वहाँ पर भी काम हो जाएगा। इस तरह से देखिए कुछ ऐसा लुक आने वाला है, और राइट प्रोफाइल कुछ ऐसे इसका बन रहा है। राइट प्रोफाइल क्या बोलेंगे, ये पाइप वहाँ से अंदर खींचने के लिए पानी ऐसे हो गया, डायरेक्ट भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, और पीछे से ओवरऑल जो लुक है कुछ ऐसा इसका बन जा रहा है। हाँ, यदि सिटी वगैरह में इसको लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा देखने वालों को होगा कि क्या कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बॉक्स चाहे तो आप बनवा लीजिए, थोड़ा सा डिसेंट साइज़ का हो जाएगा, तो जैसे लगेगा कोई सामान डिलीवरी वगैरह के लिए लेकर जा रहे हैं तो जब वहाँ पर काम करिए तो खोल लीजिए, तो ये एक अच्छा हो सकता है अपना जो इसका लुक है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इस तरह से सारा डिटेल मैंने आप लोगों को इस नए इनोवेशन के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से सारी जानकारी मिली है। क्या आपको कुछ चाहिए, या आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं कुछ ऐसा और बाइक में हो जाए तो और मज़ा आ जाए, या कोई और आपके दिमाग में इनोवेटिव आइडिया चल रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक पर मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप शेयर करिए। क्या दूसरे लोगों को भी पढ़कर एक अच्छा आइडिया मिलता है, कभी कभी किसी का दिमाग बहुत अच्छा चलता है कि कुछ नया सोचता रहता है, स्पेशली जो थोड़ा सा हटकर लीक से हटकर सोचने वाले लोग हैं, मैं उसको खुराफात बोलता हूँ तो खुराफात जब दिमाग में रहता है ना तो ऐसे लोग कुछ नया कर गुजरते हैं, कुछ नया ला देते हैं, तो ऐसे खुराफात का ये रिजल्ट है आपके सामने। तो यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी बताने की कोशिश करूँगा कि आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, तो दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फर्दर आपकी जो भी इंक्वायरी है कॉल कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।